अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास ये NS का मॉडल सोलर वाला इन्वर्टर UPS आया है, जो कि ना पार्ट ये कर रहे हैं सर कि 11.4 वोल्टेज पे बैटरी खड़ी है और ये बैटरी लो का ऑप्शन दे रहा है। NS का मॉडल है सर और 11.4 वोल्टेज पे आके ये बैटरी लो का एरर दे रहा है, जो कि बैटरी अभी तक तकरीबन इसे बंद होना चाहिए 9.9 या 10 वोल्टेज पे इसको बंद होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है 11.34 पे ये इंडिकेटर दे रहा है। और हम इसकी जो है पावर सप्लाई से इसके वोल्टेज कम करते हैं कि आया कि ये कितने वोल्टेज तक ये चलता है। ये 11.3 हो गए हैं, ये वोल्टेज और कम करते हैं हम 11.1, ये 11.11 वोल्टेज पे ये बंद हो गया UPS और अब बैटरी आ गई 11.7 पे। तो लिहाजा हम इसे चेक करते हैं कि आया कि हमारे इस यूनिट में क्या फॉल्ट है, जिस वजह से ये कि मॉडल बैटरी बैकअप बहुत कम दे रहा है। चलो हम इसे ओपन करते हैं इस यूनिट को और देखते हैं कि क्या इसमें फॉल्ट है। ये यूनिट है, बिल्कुल साफ हालत में पड़ा है, ये बिल्कुल साफ हालत में पड़ा है। और हम इसका चेक करते हैं कि आया कि ये बैकअप क्यों कम दे रहा है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये डिस्प्ले और ये कीपैड स्विच, डिस्प्ले को हम साइड पे कर लेते हैं और हम यूनिट को हम ओपन करते हैं। यूनिट को हमने कर लिया ओपन और इसकी हम जो है बैटरी साइड वाली जो मुजामतें लगी होती हैं 3.9 में और जो लगी होती हैं, आप लोगों से शेयर करते हैं कि आया कि वो ठीक हैं या नहीं हैं, क्या काम कर रही हैं वो। ये वाली जो मुजामतें लगी होती हैं 3.9 में की, ये वाली जो है ना एक पॉजिटिव पे लगी होती है, एक नेगेटिव पे लगी होती है। ये वाली पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव है। ये वाली जो मुजामतें लगी होती हैं, पहले हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेते हैं अगर चार्ज है तो, ये मुजामतें चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू ठीक बताती हैं या नहीं। ये लगी होती हैं 3.9 मैग, ये भी अगर ख़राब हो जाए ना तो इस वजह से ये भी जो है ना काम करना, बैकअप देना कम हो जाता है इसका। मज़ीद हम इसे जो है ना चेक करते हैं कि आया कि ये बैकअप कम देते हैं क्यों है और किस वजह से दे रहा है ये बैकअप। आगे ये लगी हुई है, ये सीरियस में लगी होती है 3.9 मैग 1 और 3.9 मैग 2। अभी ये वोल्टेज शो कर रही है क्योंकि कैपेसिटर इसका चार्ज है। कंटिन्यूटी मीटर चेक किया,
ये वैल्यू ठीक नहीं बता रही 3.9 मेग। और इस पे हम जो है ये मुजामते लग के ये एक ये मुजामते लगी हुई है छोटी असम्बली, इसे भी हम क्लोज़ करके चेक कराते हैं ये कौन सी लगी होती हैं मुजामते। ये 74C लगी हुई है मुजामते, यहाँ से लग के इस पे आता है एक साइड पे 5 वोल्टेज होते हैं और बाकी सिग्नल जो हैं ये जाते हैं इस साइड से। ये लगी हुई है 67C, इनको सिग्नल मिलते हैं और ये सिग्नल ये लगी हुई है अगर आगे लगी हुई है 475 SMD रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये 407 मैग की रेजिस्टेंस बनती है जो कि IC की पिन नंबर 2-3 यहाँ पे शिफ्ट होता है जो कि बैटरी को सिग्नल देता है कि बैटरी कितने वोल्टेज पे खड़ी होती है 2-3, या इधर से हम चेक कर लेते हैं इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि हमारा ये 6-7 पिन नंबर 2 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बेहतरीन ज़बरदस्त वो इस दो बैग लगी हुई है ग्यारह यूनिट चल रहा है। अब हम सप्लाई से वोल्टेज कम करते हैं, अब हमारा यूनिट ठीक चलता है, बैकअप लो शरीर दो वोल्टेज कर रहा है या नहीं, आम आदमी हमारा यूनिट लो शरीर लो वोल्टेज पे काम कर रहा है और हमारा इन्वर्टर भी चल रहा है और हल्की सी पीप भी दे रहा है और बिल्कुल ठीक चल रहा है 2.9 वोल्टेज पे इन्वर्टर चल रहा है हमारा और ऑफ करते हैं 9.9 वोल्टेज पे ये बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा इन्वर्टर, इसकी 3.9 मैग रेजिस्टेंस है और 1 IC 358 जो खराब था और 9 मैग की रेजिस्टेंस खराब, जिस वजह से ये बैकअप ठीक नहीं दे रहा था।